हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PNS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम DSSP 4421 जो कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC का पोस्ट है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन में क्या क्या शामिल होगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी के डिटेल की, फिर उसके बाद बात होगी एग्जाम डेट आपका एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है, फिर से जॉब प्रोफाइल और सैलरी की, फिर बात करेंगे सिलेबस की, पर्क्स एंड बेनिफिट्स की, और अंत में बात करेंगे प्रमोशन की, यानी कि आपको प्रमोशन कहां तक मिल सकती है इस जॉब में और कब आपको प्रमोशन मिल सकती है। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला वैकेंसी का डिटेल की बात करते हैं, तो आपको 278 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी आई हुई थी, जिसके लिए RTI से एक जवाब आया कि 380,911 कैंडिडेट ने इस फॉर्म के लिए फिलअप किया था। यानी कि इससे आप देख सकते हैं कि आपका कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाले हैं। 278 पोस्ट के लिए लगभग 4 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं आपके एक्सपेक्टेड डेट की, तो आपका एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट जो है वह मार्च में हो सकता है, क्योंकि आपके फरवरी तक का शेड्यूल बुक है, जो एग्जाम होने हैं फरवरी तक का शेड्यूल आ चुका है, तो अब जो भी एग्जाम बचा हुआ है वो आपका मार्च में होगा, तो आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट होगा मार्च में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल का मतलब दोस्तों कि आपको जॉब क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आपका डाटा एंट्री वर्क होता है, जिसमें कि आपको डाटा और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफिस में वो सारे का मेंटेनेंस करना पड़ता है, और जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको दूसरे ऑफिस तक अगर ले जाना है तो वो आपको काम करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की, तो ये जो सैलरी है उसका 1900 ग्रेड पे है, बेसिक पे आपका 5200 से 20000 तक होगा, यानी कि टोटल जो आपको इन हैंड सैलरी मिल सकती है वह लगभग 22000 के करीब होगी। फिर से बात कर लेते हैं पर्क्स एंड बेनिफिट की, जो सैलरी के साथ आपको दिया जाता है एक सरकारी जॉब में, तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है, 24% होता है बेसिक पे का, साथ में आपको डियरनेस अलाउंस मिल जाता है 9%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है जो कि फिक्स होता है ग्रुप बी और सी के पोस्ट के लिए, वो फिक्स प्राइस आपको दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में, साथ में आपको मेडिकल अलाउंस मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की, तो आपको इस जॉब की तैयारी करने के लिए सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सिलेबस की बात करें तो टोटल 200 मार्क्स का आपसे सवाल पूछा जाएगा, जो कि जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स होंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 मार्क्स का, यानी कि 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स होंगे। 2 घंटे में आपको ये सारे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और इसके आधार पर आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। उस मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपकी जॉब का सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट में आने के बाद दोस्तों एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, उस टाइपिंग टेस्ट में जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमोशन के डिटेल्स की, तो देखिए इस जॉब में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप हायर पोस्ट के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम के माध्यम से जल्दी प्रमोशन ले सकते हैं। दूसरा है कि आप कुछ सर्टेन ईयर्स के सर्विस के बाद सीनियोरिटी प्रमोशन आपको मिल जाता है अपर डिवीजन क्लर्क का। साथ ही अगर आप ग्रेजुएट हैं या अगर आपने 12th में जॉब ले लिया है और आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप डिपार्टमेंट के और भी सारे पोस्ट होंगे उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन DSSP 4421 जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ये वैकेंसी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।